وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم। भी हमारे चैनल कारिया को फैसला बादी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। जज़ाकअल्लाह। शर उमूर मुहदसातुहा वकुल मुहदसतिन बिदअ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على شیر پڑھ لی عمران پائی دے میں او مینوں اکثر کہندے دے کہ کری صاحب شیر لازمی پڑھیا کرو دعائیہ اشعار نے یا رب تیرے کرم کا درے فیض باز ہے بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے بیچارگی کے وقت کا بیچارگی کے وقت کا بس تو ہی ساڈے رب جی بس تو ہی چارہ ساز ہے بندہ نیاز مند ہے پر تو بے نیاز ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام واسطے درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی السبل خاتم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وصحبہ وسلم واسطے ذی وقار معزز دوستو بزرگو بھائیو عزیز طلبہ اکرام و معززات طالبات
समात फरमाने वाली मुअज्जिज़ात मुकर्रमात इस्लामी रूहानी माओ और बहनों, दुआ है कि अल्लाह मालिकुल मुल्क ए रमज़ानुल मुबारक दी ए जो सआदतां वाली ए जो कुछ जिंदगी दा सानू हिस्सा मुयस्सर आया, अल्लाह तबारक व तआला सही तरीके दे नाल एदे ते सही तरीके दे नाल खुश उसलूबी दे नाल पहरा देंदिया होया, एदे ते जमी दे नाल दिल जमी दे नाल डट करके अल्लाह दी इबादत करके अल्लाह नू मनाने दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपने हुजूर सानू अल्लाह तबारक व तआला इस रमजान उल मुबारक तो फायदा उठांदिया होया अल्लाह सानू गुनाहा तो पाक होने दी तौफीक अता फरमाए। उस बंदे ने कुछ ना खटिया, उस बंदे ने कुछ ना हासिल कीता, अगर रमजान मुबारक जैसा महीना आ गया और वो अपनियां सोचां दे अंदर, परेशानियां दे अंदर, माश दे अंदर, फिकर दे अंदर, अपने दूसरे मामलात दे अंदर उलझिया रहा, प्यारे भाइयों मैं आज जो तुसा अहबाब दे सामने बात लेकर के आया और नफ्सियाती मसाइल दा शरी हल इंशाल्लाह लेकर के आया, ये ज़हनी दबाओ ज़हनी उलझाओ और साडियां नफ्सियात जेड़ियां ने इन्हां दा कुरान हदीस दे अंदर की हल ले। अल्लाहू अल्लाह 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 तबारक व तआला ने बयान फरमाया, मालिकुल मुल्क दा ऐलान होया, अगर रमजान का महीना भी होए तो बंदा अपनी नफ्सियाती मामलात के अंदर उलझिया रवे तो रमजान उल मुबारक के महीने के अंदर भी बंदा अपने इस ज़हनी हिजान के विचों बाहर ना आ सके तो फिर कोई उदे वास्ते कोई दिन नहीं आ सकते, कोई मुकद्दस रातां नहीं आ सकदियां जिदे विच अपने ज़हन की इस बीमारी तो बच जाए। अल्लाहू अल्लाह अल्लाह मालिकुल मुल्क ने फरमाया, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ। मालिक उल मुल्क ने फरमाया, असी इस कुरान पाक नाजल फरमाया मोमिनीन वास्ते शिफा बना करके और रहमत बना करके। अल्लाहू अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाह असबाब कितों आया कर देने, किस तरीके दे नाल बंदा नफ्सियाती मरीज बन जाता है, साइको किस तरह दे नाल बंदा हो जाता है ना। अल्लाहू अल्लाह अल्लाह मेरे तुहाडे प्यारे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हदीस सही उल बुखारी इमाम मुहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अपनी सही जामे दे अंदर इस बात को नकल फरमा देने ना, मुसलमान नु कोई भी तकलीफ आंदी है, कोई भी परेशानी आंदी है, कोई भी दुख आंदा है ना, कोई उलझाओ आंदा है, अगर वो दे उते सबर करदा है वो तकलीफ ओ दे गुनाह दा कफारा बन जांदी है। अल्लाहू अल्लाह अल्लाह अगली बात सुनते जाओ ना, दूसरी बात सुनते जाओ, सानू नफ्सियाती अमराज क्यों सानू आ जांदियां ने, असी दिमागी हिजान दा शिकार क्यों हो जांदे हां ना, असी मादियत परस्त हो गए हां, माल कमाने दी हिरस दे अंदर माल 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 दी हवस दे अंदर असी माल नूं दुनिया दा मकसद बना लिया, जिंदगी दा मकसद बना लिया, माल नूं मकसद हयात बना करके अपनी जिंदगी नूं बर्बाद कर लिया। मेरे और तुहाडे प्यारे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इब्ने आदम नूं दो वादियां सोने दियां मिल जान, दो जंगल सोने दे मिल जान, सोम तो पहले पहल ये ख्वाहिश करके सोएगा, काश के सुबह तक दो दिन जगह तीन हो जान। हर दफा बंदे नू माल दी हवस माल दी लालच दे दिल दे अंदर मंडलांदी रहंदी है ना। अल्लाहू अल्लाह
अल्लाह अल्लाह दा कुरान बोलिया सूरत आले इमरान दे अंदर जुज्जीना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाई वल बनी मालिकुल मुल्क फरमांदे ने असी लोगां दे दिलां दे अंदर उन्हां दे दिलां दे अंदर मुहब्बतां नूं मुज़य्यन फरमा दिता औरतां दीआं मुहब्बतां नूं मुज़य्यन फरमा दिता उन्हां दे बेटियां दी मुहब्बत नूं मुज़य्यन फरमा दिता वल कनातीरिल मुकंतरति मिन अज़्ज़हब वल फिज़्ज़ा मालिकुल मुल्क फरमांदे ने असी माल दे ढेरां दी मुहब्बत नूं उन्हां दे दिलां दे अंदर मुज़य्यन फरमा दिता असी सोने ते चांदी दी मुहब्बत नूं उन्हां दे दिलां दे अंदर मुज़य्यन फरमा दिता फरमाया वल खैलिल मुसव्वमति वल अनआम वल हर्स अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमांदे ने असी माल डंगर सोनियां सोनियां मज्जां ते सोनियां सोनियां गावां सोने सोने बकरे ते सोनियां सोनियां बकरियां सोने सोने जानवर असी इन्हां दे दिलां दे अंदर मुज़य्यन फरमा दिते सोने सोने घोड़े इन्हां नूं अच्छे जो लगदे ने ना अल्लाह 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 खेतियां बाड़ियां इन्हां नूं बड़ियां अच्छियां लगदियां ने अल्लाह 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 फरमांदे ने ज़ालिका मताउल हयात दुनिया सारिया दिया सारिया चीजा वो याद रख लो इते दुनिया दा माल जे दुनिया दा माल ए दुनिया दा फायदा थोड़ा जितना फायदा थोड़ा जितना वक्त दुनिया वाला ओदे विच ते कुछ हासिल कर सकते हो आखरत दे अंदर इन्हां चीज़ां दे विचों ही तुसी आखरत हासिल करनी है अल्लाह दे रास्ते दे अंदर सदका खैरात करके अल्लाह नू राजी करके नमाज दा वक्त आ गया उदनों जानवर बड़ा खूबसूरत लगदा पिया है ओदी दुध चवाई दा टाइम आ गया है ना बंदा ओदी दुध चवाई छड़ करके आ करके नमाज पढ़ लवे अल्लाह तेरे इस अमल की बरकत दे नाल जिथे 10 किलो दूध आंदा है अल्लाह 15 किलो कर देंगे हां एहो ही माल तेरे वास्ते बाई से बरकत हो जाएगा बाई से रहमत हो जाएगा अल्लाह 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 अगली बात सुनते जाओ सही मुस्लिम शरीफ दी रिवायत हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर अपनी लाश बयान फरमांदे मेरे महबूब अलैहि सलाम ने बयान फरमाया कद अफलह मन अस्लमा यकीनन ओ बंदा ते कामयाब हो गया जड़ा मुसलमान हो गया सुभान अल्लाह ओ बंदा कामयाब हो गया जड़ा मुसलमान हो गया और कितने अफसोस दी बात है अल्लाह दे पैगंबर जनाब मुहम्मद दिल ठर जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ओ बंदा कामयाब हो गया जेड़ा मुसलमान हो गया ते आज दुनिया दे अंदर मुसलमान सब तो नकाम तरीन कौम बनी होनी एदा मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम ते लिया कलमा ते पढ़िया लेकिन अमल ना कीता मोहब्बत नारियां नाल कीती जुलूस कट करके कीती रात नु तहज्जुद पढ़ के आप दी सीरत ना अपनाई ओ प्यारे वीर प्यारे भाई ओ मेरे दोस्त मेरे अजीजम ओ मेरे प्यारे मेरे मिठड़े अल्लाह दी कसम है किथे असी अमल वाले मुसलमान बन जाइए फिर फरमाया कद अफलह मन अस्लमा यकीनन मुसलमान ते कामयाब सुभान अल्लाह मुसलमान कामयाब फरमाया व रुज़िक कफाफन व क़न्नअहु अल्लाह बिमा आता अल्लाह तबारक व तआला मोमिन मुसलमान नु जो भी रिज़्क अता फरमांदे ने ओ ओदे वास्ते काफी हो जांदा है हाय हाय दुनिया दुनिया नहीं करता नजर आंदा सारे मसाइल दिमागी परेशानियां
ਇਹ ਫਿਕਰੇ ਮਈਸ਼ਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ 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 ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕਾ ਵ ਤਾਲਾ ਵ ਰੂਜ਼ੀ ਕਾ ਕਫਾਫਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਆਤਾ ਜੋ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਕਨਾਹੁਲਾਹ ਬੀਮਾ ਆਤਾ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਮਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਮਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਅੰਦਰ, ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਤੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਮੋਮਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ, ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਸਾਇਲ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਸਾਇਲ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਲਈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੋਮਨ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ? ਮੋਮਨ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਵੇ ਮੋਮਨ ਤੇ ਕਰ ਗੁਨਾਹ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ ਮੋਮਨ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਨਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਨਾਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਰਾ ਬੋਲੋ, ਗੁਨਾਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾਈਆਂ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਦੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਡਟ ਜਾਣਾ ਬੁਰੀ ਬਾਤ, ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਲਈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੋਮਨ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਆ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਤਾ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਤ ਪੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਆਓ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚੌਥੀ ਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਮਾਨੀ ਕੁਵਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਏ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਮਾਨੀ ਕੁਵਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਲਈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਾ ਤੁਮੀਨਾ ਬਿਲ ਕਦਰ ਖੈਰੀ ਵਾ ਸ਼ਰੀ। ਮੋਮਨ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਰ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਜਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਅਜਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਦਬਾਅ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਨ ਹੈਸਲ ਕੌਮ, ਥੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਨ ਹੈਸਲ ਕੌਮ, ਯਕੀਨਨ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਔਰ ਯਕੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਯਕੀਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ 80 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 480 ਦੀ ਕਿਉਂ ਵੇਚੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਕੀ? ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 80 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਇਹ ਰੁਲਿਆਂ ਖੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 480 ਲੈਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤਵੱਕਲ, ਖਾਤਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆ ਹੁਣੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਨੀਮ ਨੀਮ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ। ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਗਲਤ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਅੱਜ ਇਫਤਾਰੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰਾ ਫਰੂਟ ਲੈਣ ਜਾਏ, ਵਾਹ
आप लग जाएगा पता कि किन्ना कि साडा अल्लाह ते यकीन है, साड़ी कौम दा और साडा अल्लाह ते कितना कि यकीन है। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह ये अल्लाह ते एतमाद जड़ा खत्म हो गया। हालांकि रिस्क दा जिम्मा कौन है, किदे किदे अख्तियार दे अंदर रिस्क है, अल्लाह दे अख्तियार दे अंदर अल्लाहु अल्लाह अल्लाह। अगली बात सुन दे जाओ, अल्लाह ते तवक्कुल भी मुक गया, अल्लाह ते एतमाद भी मुक गया। सातवीं बात सुन दे जाओ, ज़हनी परेशानी दा सबब सुन दे जाओ, अल्लाह तबारक व तआला अपने पुराने पाक अंदर इरशाद फरमान लगे। सातवीं बात, ज़हनी परेशानी ज़हन दा उलझाओ, अल्लाह बयान फरमान लगे और हल फरमाने लगे। फरमान लगे वा मन आराजा विक्री, जिस बंदे ने साडे इस जिक्र तो एराज फरमाया, मुंह मोड़िया, जिन्ने साडे जिक्र तो, जिक्र दो चीजा ने, एक कुरान एक नमाज। मुसलमान नमाजी ने क्या सारे दसो, नमाजी ने मस्जिदा कितनिया कबाद ने। हाँ जी, असी जो मस्जिदा दे अंदर आंदे आ ओही वेखी, असी साडा कुराने पाक नाल ताल्लुक कितना के। हाँ जी, अल्लाह दे जिक्र तो असी अल्लाह दी कसम एराज कर लिया, मुंह फेर लिया, जदों अल्लाह तो असी मुंह फेर लिया, अल्लाह नू केड़ी आखर आई है कि अल्लाह साडे मगर मगर आवे। अल्लाह ने भी अल्लाह दी कसम साडे तो मुंह फेर लिया, असी जलील हो गए दुनिया दी अंदर रब तो मुंह मोड़ने दी वजह तो। हाँ आओ आओ, रमजान उल मुबारक दे महीने दे अंदर आओ, अल्लाह दे नाल रुजू कर ली। अल्लाह फरमाने ने वमन आराजान जिक्री फइन लहु मईशतन ज़ंका, जो बंदा साडे जिक्र तो इराज फरमांदा है, फइन लहु मईशतन ज़ंका, असी ओदी मईशत नु तंग कर देने आ, उनु रुजगार नहीं मिलता, ओदी दिहाड़ी नहीं लगती, अल्लाहु अल्लाह अल्लाह ओदा कारोबार ठप हो जांदा है ना। वना शुरू यौमल क़ियामत यामा, कल कयामत वाले दिन असी ओनू अन्यां करके अपने दरबार दे अंदर जमा फरमावांगे ना। वो बंदा कहेगा रब्बी लिमा हशरतनी आमा, अल्लाह जी मैं अन्ना करके तेरे दरबार दे अंदर क्यों पेश कीता गया। वक़द कुंत बसीरा, मैं तो दूरों आंदा बंदा वेख के पहचानने वाला, बड़ा दूर अंदेश मशहूर होया करदा सा, बंदा बड़ा सयाना है, एदी नजर बड़ी तेज है ना। अल्लाह फरमांदे ने काला कदालिका अतका आयातुना, साडियां आयतां तेरे कोल आईयां, लेकिन अतका आया तू ना पनसीता हा, तू अतरांदा रिया, साडियां आयतां नू ठुकरांदा रिया, साडियां आयतां नू भुल गया। वकज़ालिकल यौम तुसा, अज दे दिल असी तेनू भूल गए हैं। अगली बात सुन दे जाना, असी दुआव अल्लाह दे हुजूर नहीं कर दे, इस करके दिमागी मरीज बन गए हैं, जिक्र अज़कार दा एहतमाम नहीं कर दे, इस करके दिमागी मरीज बन गए हैं, दीनी माली जानी और अकली नुकसान साढ़े जिक्र अज़कार ना करने की वजह तो साढ़े ते आंदे ने ना। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह, अगे हुण आ जाओ आ जाओ, ना उम्मीदियां छड़ करके नफसियात दे शिकार बंदे हो, अल्लाह दे हुजूर आ जाओ। अल्लाह ते कहंदे ने ना, अल्लाह फरमांदे ने, मालिकुल मुल्क ने फरमाया आओ कुरान और हदीस दे अंदर इन्हां चीज़ां दा हल लभदे जाइए, अपने दिमागां नूं सुकून देंदे जाइए, दिलां नूं करार देंदे जाइए। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह, मालिकुल मुल्क फरमांदे ने व इज़ा मालिकुल मुल्क ने फरमाया जदों असी अपने बंदे ते नेमतां दा नुज़ूल फरमानिया आ रज़ा वना आपी जानी
ਵੀ ਉਹਤੇ ਇਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਰਾਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਵਾ ਇਜ਼ਾ ਮਸਾਉ ਸ਼ਰੂ ਕਾਨ ਯਊ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਉਮੀਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਨਾ ਉਮੀਦੀਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣੇ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪ ਇਧਰੋਂ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹੇ ਮਿਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਯੂਸੁਫੀ ਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਕੀ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਨੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਨਕਸ਼ਾ ਨੋਟ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਯਾ ਬਨੀ ਯਾਕੂਬ ਫਤਹਸਸੂ ਮੀ ਯੂਸੁਫ ਵਾ ਅਖੀ ਐ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਓ ਜਾਓ ਜਾਓ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਓ ਔਰ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਓ ਵਾਲਾ ਤੈ ਅਸੂ ਮਿਰ ਰੂਹਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਨਹੁ ਲਾਇਅਸੁ ਮਿਰ ਰੂਹਿਲਾਹਿ ਇਲਲ ਕੌਮੁਲ ਕਾਫਿਰੂਨ ਕਾਫਰ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸਬਬ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਏ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਲਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਲਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਏ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕੋਈ ਮਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਰਵੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਵਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ 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 ਕਲਕ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਮਾਮਲਾ ਤਹਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਮਾਮਲਾ ਤਹਲ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਮਾਮਲਾ ਤਹਲ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦੁਆ ਸਿਖਾਈ ਅੱਲਾਹੁਮਮਾ ਇੰਨੀ ਅਊਜ਼ੁ ਬਿਕਾ ਮਿਨਲ ਹਮਮੀ ਵਲ ਹੁਜ਼ਨਿ ਵਲ ਅਜ਼ਿ ਵਲ ਕਸਲਿ ਵਲ ਬੁਖਲਿ ਵਜ਼ਿਲਾਇ ਦੀਨ ਵਕਹਰਿ ਰਿਜਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀਏ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ ਚੌਥੀ ਬਾਤ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਸਾਸੇ ਕੰਪਰੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹਸਾਸੇ ਕੰਪਰੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਸਦ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਇਹਸਾਸੇ ਕੰਪਰੀ ਇਹਸਾਸੇ ਕੰਪਰੀ ਵੀ ਹਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਚੁਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਮੁਖਤਸਰ ਜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਆਖਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਏ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਸਾਸੇ ਕੰਪਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਸਾਸੇ ਕੰਪਰੀ ਤੋਂ ਆਓ ਰਸੂਲਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਆਪ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੱਲ ਨਬੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਬੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਧਰ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੱਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ
दूजा जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान एदे अंदर हल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों तुसी अपने निचले दी तरफ दिल वाले दी तरफ देखे मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले दी तरफ देखे साइकिल वाला पैदल वाले दी तरफ बोले पैदल वाले दी तरफ देखे और पैदल चलने वाला लत्ता तो बगैर वाले दी तरफ देखे अल्लाह दा शुक्र है अल्लाह ने मेनू लत्ता अता फरमाईया। वो भी तो है ना जिन्हिया बेचारे दियां लत्ता ही नहीं फिर सासे कमतरी मेरे तेरे दिल अंदरों निकल जाएगी अगर असी ये बात सोच लवांगे। हाँ हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगली बात सुनो अगे आ गया हसद हसद और चीज है ये सासे कमतरी और चीज है। बात आखिर ते आंदी पई है जरा तवज्जो दे नाल बड़ियां जरूरी बातां समझते जाओ। आपने फरमाया जदों तक लोग हसद करते रहेंगे ना उदों तक लोग भलाई नहीं जे पा सकते। जदों तक हसद करते रहेंगे उदों तक भलाई खैर नहीं हासिल कर सकते। फरमाया ला यज़ालुन नासु बिखैरिन मालम यतहासदू जदों तक हसद कर दे रोगे भलाई नहीं आएगी खैर नहीं आएगी। अगली बात सुन दे जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुसी चाहते हो तुसी हसद तो बच जाओ तुसी मौत नूं बोतियां याद करिया करो हसद तुहाडे दिल विचों निकल जाएगा। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है। अगली बात हकद जरूरी बातें ने इस करके हकद फरमाया हकद किनू कहंदे ने सानू समझ नहीं आनी अवामी बंदा है समझा करके अगे बात करांगा। जरूरी बात है हकद किसे नाल दुश्मनी पैगी ना ते ओदी टो अंदर रहना होने कदों मेरे नरगट अंदर आवे कदों मेरी दाड़ थल्ले आ तो जदों आ गया है ना बस दाड़ थल्ले उदों नू पी लेना फड़ के चंगी तरह इनू कहंदे ने हकद हकद करने वाला बंदा ओ याद रखो दिल दे अंदर गुस्सा रखने वाला और दाड़ थल्ले ले आके अपने मुसलमान भाई नू पी देने वाला बंदा ओ प्यारे भाइयो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों तक अपने इस गंदे अमल दी माफी नहीं मंग लंदा ये बंदा उदों तक अल्लाह नू मुआफ नहीं जे करदा। ऐ जिहड़ा दिल दे अंदर कोई नहीं कदी दादे दियां कदी पोते दियां कदी नाने दियां कदी दोते दियां नाल बावां टंगणियां ते नाल इदां दियां गल्लां करनियां कदी साडा वक्त आया इहनू दस पता लवांगे। ओ मेरे प्यारे भाई ऐ मैं कोई आवाज नहीं सुना रहा अल्लाह की कसमे मैं अपने जहन साफ करदा पिया मैं अपने दिल साफ करदा पिया अल्लाह की कसमे। ओ मेरे वीर अगर ये गल मेरे दिल विच्चों ना निकली मैनू अल्लाह माफ नहीं करेगा। मैं अल्लाह को माफी चाहना ते दिल दे विच आकर आ जड़ा हकद है ना हकद इनू कढ़ना होएगा जरूर कढ़ना आएगा। अगली बात सुन दे जाओ के बंदा किस तरीके दे नाल हल कर सकदा है अपने ज़हन दा ते दिल दा। फरमाया टो ते जसूसी ए जड़ा टो ते जसूसी दे अंदर भाई लग्या रहंदा है ना अगले दिन ये भी बंदा कदी सेहत याब नहीं होता ये भी परेशान होता। सेहत याबी वास्ते जरूरी जे बंदा टो अगले दिन लानी छड़ दे जसूसी करनी छड़ सही है ना। अगली बात सुनो दिलां नूं नरम करो बात आखर ते ले आईए दिलां नूं नरम करिए दिल दे अंदर शफकत पैदा करिए और ओ हाम वसवसे इन्हां नूं दिलां दे अंदरों कढ़िए। नौवीं बात दसवीं बात आपने फरमाया ला तगज़ब ला तगज़ब ला तगज़ब गुस्सा ना कर तेरा तेरा ज़हन जिहड़ा है बीमारियां तो पाक हो जाए। गुस्सा ना करया कर गुस्सा ना करया कर गुस्सा ना करया कर सुभान अल्लाह अल्लाह ताला सानू इहदे ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। प्यारे भाइयों जो सुनिया सुनाया अल्लाह ताला साडे ज़हनां नूं साडे दिलां नूं अल्लाह ताला साफ कर देवे ते पाक कर देवे अल्लाह ताला इन्हां बीमारियां तो साडे दिलां नूं दूर फरमा देवे पक्का ते सच्चा मुसलमान बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. प्यारे भाइयो, जो अज का खुतबा सुनिया एदे अंदर असी अपने जहना नू कुरान हदीस की बरकत दे नाल पाक करने की कोशिश की, जहना नू कुरान हदीस की बरकत दे नाल पाक करने की कोशिश की। फिर समात करो, जहना नू कुरान हदीस की बरकत दे नाल नफसियात दे मरीजा ने पाक करने की कोशिश की, ठीक है ना। और हुन मैं इस मुख्तसर जे वक्त दे अंदर किस तरीके दे नाल माहौल अच्छा कीता जाए। आपने फरमाया वल्लजी नफसी बियदी, कसम उस जात दी जिस दे हाथ अंदर मैं मुहम्मद दी जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू, फरमाया तुसी जन्नत अंदर कदी नहीं दाखिल हो सकते हत्ता के तुसी मोमिन बन जाओ। फिर फरमाया वला तुमिनू इल्ला तहाबू, और तुसी कदी भी मोमिन नहीं बन सकते हत्ता के आपस अंदर शीरो शकर हो जाओ, मोहब्बत करने लग जाओ, फिर तुसी मोमन होवोगे। फिर फरमाया मैं तुहानू एक चीज ना दसा जिहदे नाल तुहाडी आपस अंदर मोहब्बत वध जाएगी। साहबा ने कहा जी अल्लाह दे रसूल दसो। फरमाया मैं तुहानू ऐसी चीज दसना जिहदे नाल तुसी आपस अंदर शेरो शकर हो जाओगे। फरमाया अफसु सलाम बैनकुम, सलाम नू आपस अंदर आम कर दियो, सलाम नू आपस अंदर आम कर दियो। ऐ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान जे अगे फरमाया खुश हो करके मिलिया करो, ये नहीं सलाम लेके तेनू एदा पता है, सलाम लेके हले तक गया नहीं, बंदा हले तक जा रहा है, नजर भी आ रहा है, ओदी कंड नजर आ रही है, पर भी नहीं है पता किवें दा रातियां ने ऐ कीता। तो फिर सलाम ही खत तो लई, अगर तेरा दिल ही उस भाई दे बारे पाक नहीं। ओ वीर, ओ मेरे प्यारे भाई, हाँ जी, फरमाया खुश हो करके मिलो, खुश हो करके मिलना भी सदका है, खुश हो करके जदों मिलो। जेड़ा भाई दूसरी हदीस दा मफहूम खुश हो करके मिलदा है ना जदों, ते अल्लाह तबारक व तआला दोनों दे गुनाह माफ फरमा देंदा। कोई खुश हो करके सलाम लेंदा ना आपस अंदर मुसलमान, अल्लाह दोनों दे गुनाहों नु माफ फरमा देंदे ने, सुभान अल्लाह। ते खुश हो करके मिलांगे ना, दिलां नु साफ करके मिलांगे ना आपस अंदर इंशाल्लाह। अगली बात सुनो, आखिरी बात सुनो, कि आपने फरमाया अदबुल मुफरद दे अंदर इमाम बुखारी ने इस बात नकल फरमाया कि तुसी बाहमी आपस अंदर तोहफे तहाइफ दिया करो एक दूसरे नु, भावे थोड़ा जिहा होवे, कोई चीज पकाईए नाल दे नु प्लेट दे अंदर पा करके नाल दे घर अंदर भी भेज दित्ती, उन्हां नु चाहिदा उस प्लेट दे अंदर जिहड़ी आप पकाई होई चीज पा करके भेज दित्ती। आपने फरमाया दिलां दे अंदर जो कीना होया करदा है, हसद होया करदा सीने दे अंदर, ए कीने नु अल्लाह तोहफे तहाइफ दी वजह तो खत्म फरमा देंदा। हां, आपस अंदर कोई मुखालफत करता है ना, ते उन्हें तोहफा दो, उसकी मुखालफत खत्म हो जाती है। हुन कहोगे ओ किवें, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन एक दफा मस्जिद दे विचों नमाज पढ़ करके निकले, एक बंदा इमाम सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह नु गालां कढ़न लग पिया, इमाम साहब दे करीब गए, जा करके इमाम साहब ने उन्हें अपने सीने दे नाल लगाया। वो बंदा की करदा पिया जी, गालां कढ़दा पिया, इमाम साहब की करदे पे ने, सीने नाल लगाया और मुस्कुराए। फरमांदे ने ओ मियां, तू मेनू जो जो कह रहे हैं मेरे अंदर इस नालों भी ज्यादा बुराइयां मौजूद ने,
तू मेरी इसलाह कीती है, मैं तेरा शुक्र गुजारा, मैं अपनी इसलाह कर लवांगा, आइंदा तो ये अमल मेरे अंदर तू नहीं देखेगा। ये बंदा हक्का बक्का रह गया, ये गुस्से जागे ना होर, इमाम साहब ने उदा बाजू पकड़िया, उदा बाजू पकड़िया, उन्हें अपने घर अंदर ले गए, ओदी अच्छी ज़ियाफ़त कीती, मेहमानदारी कीती, खातरदारी कीती, ओदी खातर तवाज़ो कीती, ओदी बहुत अच्छी, ओदी रिस्पेक्ट कीती, उन्हें बहुत बेहतरीन अरब दा अच्छा खाना खिलाया। खाना जो खा लिया ना, वो बंदे दा दिल नरम हो गया, बंदे दा दिल नरम हो गया। इमाम साहब ने वेख्या, हले तक राजी नहीं होया। इमाम साहब अंदर गए, अहले बैत दे इमाम, आले बैत दा नारा अल्लाह दी कसम लाना सौखा है, मगर आले बैत दी सुन्नत ते अमल करना बहुत औखा है। हाँ आओ, अहले बैत नाल मोहब्बत अमल करके दिखाइए। आओ, इमाम साहब अंदर गए, एक थैली पकड़ी, अशरफियां दी भरी, सोने दियां अशरफियां दी, दिनारा दी भर करके इमाम साहब ने लिया करके, उन्होंने थैली लिया करके उन्हें पेश की थी। इमाम साहब फरमान लगे, अगर आइंदा तो मेरे अंदर कोई चीज देखें, दोबारा मेरी इसलाह कर दी, मैं दोबारा तेरी गल मान लूंगा। तो बंदा कहन लगे, अल्लाह की कसम, तुसी आले रसूल हो, इते सैयद है, सैयद लेकिन हुका परा नहीं हो रहा, धुएं परा नहीं हो रहे, नशे परा नहीं हो रहे, सैयद दी सलीम सीन नु सलाम ना। प्यारे भाई, बात लंबी होंदी जांदी है, बात नु आखिर ते लै करके आइए। अल्लाह ताला सानू सही अहले बैत दी सुन्नत ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واكبر والله يعلم ما تصنعون صفوا صفوفكم يا جماعه المسلمين। नमाज तो पहले एक छोटा जा ऐलान सुन लो, अपने इदारे वास्ते जरूर तावन फरमा करके जाने, और अकरी हम सब पकड़ो मेरी तरफ। रमजान उल मुबारक दे महीने दी वसादत दे नाल, और रमजान उल मुबारक दी खैर और बरकत दे नाल, अपने इदारे दे नाल जरूर तावन फरमाना है। जो मेरे कोलो हो सकिया मैं तावन फरमाया, और जो तुसा बाप दे कोलो होवे जरूर इदारे दे नाल तावन फरमाना। अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए।